हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे हमारी जो सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक है, इसके अंदर एक टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, बुक के अंदर जो टॉपिक का नंबर है वो है जी 12.13। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैपेसिटर। ठीक है, बड़े बच्चे सोचते हैं, मैं भी सोचता था, आप नहीं, मैं भी सोचता था यार, दुनिया टेक्नोलॉजी में पता नहीं कहाँ चली गई है, बैटरीज आ गई हैं, बैटरी में चार्ज स्टोर कर लें, ये अभी भी कैपेसिटर के पीछे क्यों पड़े हैं, कैपेसिटर में चार्ज क्यों स्टोर करना है। वो भाई, इसकी रीज़न हमें आगे जाके पता चलेगी कि भाई ये कैपेसिटर ही क्यों हम यूज़ करते हैं, ये कंपोनेंट क्यों है, हम बैटरी के अलावा इसको क्यों प्रेफरेंस देते हैं सर्किट्स में। बैटरी का काम और है, इसका काम और है, दोनों का काम है भाई, दोनों का अपना अपना काम, दोनों ही यूज़ होते हैं, ये क्यों यूज़ होता है हमें आगे पता चल जाएगा। सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, सिंपल सी, ठीक है, जो हमारी बुक ने लिखी हुई है, आर डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पे कहानी एंड हो जाती है। ठीक है, अब हमने कहा अभी चार्ज क्यों, उसने कहा सर आपके घर की टंकी है पानी वाली, मैंने कहा हाँ, उस टैंकी के अंदर आप पानी स्टोर करते हो, मैंने कहा हाँ, उसने कहा सर पानी फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने कहा हाँ यार टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसने कहा सर ये जो चार्ज है एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको भी स्टोर किया जा सकता है, उसके लिए जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन असल में जब हकीकत में जब आप आगे जाकर पढ़ोगे तो ये हकीकत में इस वर्ड को रिप्लेस कर देगा किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। यानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल है। एनर्जी आपको पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क है ना, वर्क एनर्जी, तो इसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैपेसिटर के पीछे की साइंस क्या है, फिर हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये देखें भाई, ये मेरे पास पड़ा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके साथ चिपक कर एक पड़ा हुआ है, बल्कि इसे ऐसे रख देते हैं, इसके साथ पड़ा हुआ है एक नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ क्या ये चार्जेस खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या इनको अलग करने के लिए इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मैंने भाई साहब इस बेचारे के ऊपर किया वर्क, सॉरी, इस पॉजिटिव को इधर रहने दिया और इस नेगेटिव को पकड़ कर इधर ले आया। जब पॉजिटिव से नेगेटिव को दूर किया, इनकी इनके अंदर जुदाई पेश कर दी, इसके ऊपर मैंने किया था वर्क। अब मुझे पता है कि ये इसको क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और जब इसको इधर दूर किया हुआ है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी स्टोर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ईपी। यही एनर्जी क्या होगी, हम यूज़ कर सकते हैं किसी फर्दर काम में, और ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है चार्जेस को सेपरेट करके, वही काम इस कैपेसिटर ने करना है कि इन चार्जेस को सेपरेट कर देना है और इनके दरमियान में खलल डाल देना है। खलल डालने से इनके अंदर क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी, जो कि एनर्जी बाद में हम किसी फर्दर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो कैपेसिटर ऐसे काम करता है इन दोनों को अलग करके, लेकिन चूँकि चार्ज के ऊपर है तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, तो इसलिए इस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसको करके देखते हैं, देखें हमारे पास जो कैपेसिटर है ये दो कंडक्टर्स पे मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे को नज़र से नज़र मिलाकर देख रहे होते हैं। ठीक है, दो कंडक्टर्स एक दूसरे को नज़र से, और इनके दरमियान के अंदर स्पेस होती है या कोई भी इंसुलेटर होता है। हमने कहा इंसुलेटर क्यों, देखो अगर आप में से किसी बंदे ने इस बेचारे को इधर से इधर जुदा कर दिया तो आपको पता है ये खुद ब खुद इधर नहीं आ सकते, इनके दरमियान में स्पेस है। लेकिन अगर आप इसको किसी कंडक्टर से जोड़ दे तो आपको पता है नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन ये चुप कर इसके अंदर से होता हुआ इधर आ जाएगा और एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो हमने कैपेसिटर को दो कंडक्टर्स को इस तरह रखना है कि उनके दरमियान में कोई स्पेस हो या इंसुलेटर आ जाए, ताकि वो एक दूसरे के दोबारा पकड़ पकड़ के इधर ला के रख रहे हो, वो वापस इधर ना चला जाए, इसलिए इनके दरमियान में क्या रख दी जाती है, एक स्पेस। होता क्या है कि हमारे पास दो फेसिंग पैरेलल प्लेट्स होती हैं या कंडक्टर्स होते हैं, मोस्टली चूंकि ये पैरेलल प्लेट्स की शक्ल में होता है तो इसलिए इस तरह की कॉमन टाइप को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अब होता है बनता कैसे है वो देख ले, ये देखें जी,
ये आपके पास है दो पैरेलल प्लेट्स, दो एक दूसरे को देख रही हैं, ये दो मेरे दो हाथ हैं, ये एक प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे को देख रही हैं। तो जब ये एक दूसरे को देख रहे होंगे तो आपको वैसे तो ये थोड़ी सी डायग्राम मैंने ऐसे करके दिखाई है, इस तरह करके, तो आप कैसे नजर आए, लेकिन जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ये दो लाइनें नजर आएंगी, वो कुछ इस तरह बनेंगी। मैं वो भी इधर बना देता हूँ, ए इस तरह, ये मोटी सी थोड़ी सी हमारे पास ये है, तो ये साइडों से, यानी कि साइड से आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे बिल्कुल ऐसे करके, तो आपको ये यूं नजर आएंगे, तो इसलिए ये कुछ यूं बनाई गई है, ठीक है। आपने इनको, ये आपके पास बन गया है कैपेसिटर, ये इसकी तार है, ये इसकी तार, ये आपके पास बन गया कैपेसिटर, बस ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो जरा देखते हैं। तो इसे हम सर्किट के अंदर, जो हमारा सर्किट का सिंबल होता है वो कुछ यूं होता है, दो पैरेलल लाइंस और इधर से दो इनके ये पॉइंट, ये हमारा क्या है सिंबल है, किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम सिंबल है वो ये वाला है कि दो पैरेलल प्लेट्स होंगी और उनके ऊपर से ऐसे दो तारें निकले होंगे, तो ये इसका सिंबल है। अब हम चलते हैं कि जैसे बुक ने डायग्राम बनाई ना वो वैसे बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दो, असल में ये दो पैरेलल प्लेट्स इस तरह होती हैं, तो आप जब इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो आपको ये दो लाइनें नजर आती हैं, ठीक है। अब होता कुछ यूं है कि ये आपने यूं बना दिया, ये यूं बना दिया, लो जी ये आपके पास आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इनके दरमियान में स्पेस है, ये एयर भी हो सकती है या कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, ताकि चार्ज इधर से उठकर खुद ब खुद इधर ना चला जाए। इसको कनेक्ट कर देना है आपने किसी भी बैटरी से, बैटरी का सिंबल आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये है, इस तरह का एक डंडा थोड़ा सा बड़ा, एक डंडा थोड़ा सा छोटा। जो बड़ा डंडा होता है वो होता है पॉजिटिव, जो छोटा डंडा होता है वो होता है नेगेटिव, और ये आपके पास है स्विच, और ये जो चीज़ है ये आपके पास है कैपेसिटी, ठीक है। ये दो प्लेट्स, अच्छा अब होगा क्या कि ये काम कैसे करता है ये ज़रा देखते हैं। अब होगा क्या कि जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा ना, तो आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जैसे स्विच को ऑन करूँगा इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कहानी एंड हो जाएगी। नहीं भाई, हकीकत कुछ और है, हकीकत बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। बैटरी जो है ना, बैटरी कहती है सर काम करूँगी आपके लिए, काम करूँगी आपके लिए, लेकिन मैं अपने अंदर से कोई चीज़ नहीं दूँगी। मतलब कि आपने जो चीज़ मुझे दी है मैं सिर्फ वही चीज़ दूँगी, अपने पल्ले से इसे चार्ज नहीं दूँगी। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट पे आता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता, नेगेटिव नेगेटिव पे आता तो नेगेटिव चार्ज आता है। हकीकत नहीं है ये, बैटरी चार्ज नहीं प्रोवाइड करती, बैटरी सिर्फ काम कर सकती है इसके ऊपर। जब भी कोई आप किसी चीज़ पर काम करते हो तो आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हो, तो हकीकत में जब बैटरी इसके ऊपर काम कर रही होगी तो वो एनर्जी स्टोर करी होगी। वो ज़रा देखते हैं वो कैसा सीन हो रहा होगा। बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव है, अब इस प्लेट पर टोटल चार्ज इस पर कितना है, जीरो जीरो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं और इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो एज अ होल क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। और हमने कंडक्टर क्यों लिया, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छीनना आसान है बनिस्बत के बाकी मटीरियल के, तो इसलिए कंडक्टर। इंसुलेटर में तो वैसे नहीं फ्लो करना था। अच्छा ये पॉजिटिव है तो बैटरी आएगी इधर धड़ल्ले से, ओके कहेगी ओए सोने इस प्लेट का हम नाम रख देते हैं, इतने आएगी ए प्लेट पे, ओके कि सोने बदमाश आया जे इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तेरा, ओके का क्यों भाई, उसने कहा मैं हूँ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मेरी जो है मोहब्बत है, मैंने इसको लेके जाना है, कहेगा ठीक है जी ले जाओ फिर। अब इस बेचारे के पास इधर छीनने वाला कोई बंदा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो है, तो बैटरी धड़ल्ले से आएगी इधर और अपना इधर रोब डालेगी और आकर कहेगी ओए इलेक्ट्रॉन दे ओए, ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी लाकर, क्योंकि अपने अंदर तो इसके अंदर टोटल पूरे ही है, ये ना ये इलेक्ट्रॉन रख सकती है ना ये दे सकती है, तो ये क्या करेगी पकड़ कर ला कर इधर रख देगी। अब आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन खली बली हो गया है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, और बैटरी के पास अपना तो कोई गोदाम है नहीं जहाँ पर बैटरी रख सकती है। बैटरी बेचारी क्या करेगी, बैटरी कहेगी चलो इस प्लेट पर रख देता हूँ, उसे कौन सा पता लगना, बैटरी प्लेट बी के ऊपर आपका क्या रख देगी आकर चार्ज रख देगी, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैटरी ने असल में इनको यूं कर दिया कि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये इकट्ठे थे, बैटरी ने पॉजिटिव को इधर कर दिया नेगेटिव को इधर, इनके दरम्यान में ये जो स्पेस क्रिएट कर दी, इसकी वजह से अब आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइंस इधर फील्ड लाइन बन जाएगी जो इसे अट्रैक्ट कर रही होगी, और इनके दरम्यान में एक एनर्जी क्रिएट होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम क्या हुआ कि बैटरी ने जो भी वर्क किया होगा इधर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इधर लाकर रखने में, असल में बैटरी ने इनकी जुदाई के अंदर, जुदाई जब इनकी की है तो उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया है, एनर्जी स्टोर कर दिया। अब चूंकि पहले यहाँ पर नेट चार्ज कितना था, जीरो, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव से माइकल फैराडे के मुताबिक क्या बन जानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ पर क्या बन जानी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये आपकी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर इस बैटरी के दरमियान में जो पोटेंशियल वी था वो भी है, लेकिन अब एक पोटेंशियल इधर भी बन गया। मैंने कहा अभी वो कैसे, उसने कहा सर आपने एक इक्वेशन बड़ी पोटेंशियल क्रिएटिंग में वी इज इक्वल टू ई डी, तो पहले ई कितना था, पहले ई था ही नहीं भाई, तो जब ई नहीं था तो वोल्ट कितने थे, जीरो। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि अब E की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, जिसका मतलब है कि अगर E की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली D तो इनके दरमियान में था स्पेस, लेकिन E बन गया, E की वजह से इस प्लेट्स के दरमियान में भी क्या बन गया, पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन बैटरी के पास है ताकत ज्यादा, ये तो एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का बड़ा पॉजिटिव चार्ज, वो वापस जाएगा कहेगा ओए सोने इलेक्ट्रॉन चाहिए जे, और इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा लाकर इधर रख देगा। लेकिन आपको कहा सर जितना वर्क इसने पहले किया वर्क तो उतना ही करना पड़ रहा है, उतनी एनर्जी हर साइकिल में स्टोर होगी, नहीं भाई अब नहीं, अब वो कहेगा मेरे पास पहले कोई सपाई नहीं था इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए, लेकिन अब मेरी तरफ उस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। वो सीन कुछ इस जगह पर, जब दूसरे स्टेप में सीन होना है वो ये है, पहले स्टेप में तो ये था इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम इधर इलेक्ट्रॉन को इधर बनाते हैं ब्लू से, और इधर था पॉजिटिव, ठीक है। तो बैटरी का ये बड़ा सारा पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा और शार्ट हो गया, ठीक है। तो इधर ये था पकड़ के ले गया, लेकिन अब अगली बार जब आ रहा है तो असल में एक पॉजिटिव पहले वाला और एक पॉजिटिव जो बाद में जिससे छीन रहा है वो, ये पॉजिटिव वो पहले बाद वाले की तो कोई खैर है, लेकिन जो एक पहले से पॉजिटिव पड़ा है वो अब इस इलेक्ट्रॉन को यूं क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब बैटरी को क्या चाहिए, बैटरी को ताकत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़नी है इस इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए। तो बैटरी यहाँ से जोर शोर लगा कर एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के ले देगी, तो इधर एक और पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, तो एक फील्ड लाइन और क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब अगली कहानी में क्या होगा, अगली कहानी के अंदर बैटरी फिर आएगी, फिर पकड़ेगी यहाँ से, लेकिन अब बैटरी को काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ क्यों, क्यों उस तरफ खींचने वाले अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट होते रहेंगे और इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव, जिसकी वजह से हम कहेंगे भी इधर प्लस क्यू चार्ज आ गया प्लेट पर, इधर नेगेटिव क्यू, और प्लस क्यू जमा माइनस क्यू, तो नेट चार्ज अभी भी कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा, टोटल जीरो होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस की अमाउंट सेम है और जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अभी भी जीरो, पहले भी कितना था जीरो, बट चूंकि चार्जेस अलग हो चुके हैं तो इसके दरमियान में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अब आ जाए पोटेंशियल की साइंस पे कि बैटरी कब तक अपनी ये जो गुंडागर्दी इस पर चलाएगी प्लेट ए पर, तब तक बैटरी अपनी गुंडागर्दी चलाएगी जब तक के ई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब आपको पता है एक चीना तो एक फील्ड आई, दो तीन चार पाँच सात आठ दस, डी वैसे फिक्स है, तो ई के बढ़ने से क्या बढ़ता जा रहा है, वोल्ट, किसके दरमियान में, ये वो वोल्टेज है, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी, सिर्फ समझाने के लिए कि ये वो वोल्टेज है जो बैटरी लगा रही है, वो वी सी वो वोल्टेज है जो इन प्लेट्स के दरमियान में बनती जा रही है। तो इन प्लेट्स के दरमियान में जो वोल्टेज बनती जा रही है वी सी, वो अब एक ऐसा वक्त आएगा कि जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज इधर से जा रहा है उतने ही इन सब को मिलाकर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन को वो छीनने नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई अब बंदे पूरे हैं, अब मुकाबला होगा सही, वो छीनने नहीं देंगे। तो इन प्लेट्स के दरमियान में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वी सी का डिफरेंस। अब मैं कहूँगा कि
जब चार्जेस की तादाद कम थी, क्या थी, चार्जेस की तादाद कम थी, तो ये जो फील्ड लाइन्स ये कम थी तो पोटेंशियल कम था, जब चार्जेस की तादाद बढ़ी तो ये भी बढ़ा। अब आप फर्दर इस बैटरी को वेरिएबल कर दो, यानी कि ओवर वोल्टेज बढ़ाओगे तो आप और चार्ज लेके जाओगे, और चार्ज लेके जाओगे तो और, तो बंदा कहता है सर हम बढ़ा ही जाएंगे चार्ज स्टोर होता जाएगा। नहीं भाई, क्या होगा, ये आपकी टैंकी की तरह क्या होगी, एक स्टोरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। इस कैपेसिटी को हम इधर नाम देते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है, वो एबिलिटी जिसमें वो चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक आके खत्म हो जाए। लेकिन आप ये देखेंगे जो वोल्टेज वी बन रही है ये इन प्लेट्स के दरमियान में, ये डायरेक्टली है किसके, जितना ज्यादा चार्ज उधर डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज़्यादा चार्ज उधर जाएगा उतना ही वोल्टेज क्रिएट होगा, पहले ये जा रहा है फिर ये बन रहा है, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो फील्ड बन जाएगी, लेकिन उस तरफ कब जाएगी, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया जाएगा तो फील्ड, क्योंकि इसने तो अपने पास रखना नहीं है, तो जैसे उधर पहुँचेगा फील्ड बनेगी, V बनेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आपको पता है जब इसको ख़त्म करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और एक इक्वल, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है इसको बोलते हैं सी, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, इसको मैं इधर कहूंगा स्टोरिंग एबिलिटी, यानी कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट जहां पर कैपेसिटर वो एबिलिटी या कैपेसिटर की जितना चार्ज या एनर्जी स्टोर की जा सकती है। जाहिर सी बात है आपके घर की टैंकी है वो कहता है इतने क्यूब पानी, यानी कि इतने गैलन पानी, इतने लीटर पानी स्टोर हो सकता है, सेम इधर इसके भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, इसके भी यूनिट होंगे, वो ज़रा देख लेते हैं। कैपेसिटर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये कैसे बनता है। अगर आप गौर करो तो यहाँ से जो सी है वो किसके बराबर बनता है, सी बराबर बनता है क्यू बाई वी, ठीक है, क्यू बाई वी क्या है, क्यू आपको पता है कूलम और वी वोल्टेज, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो माइकल फैराडे को ऑनर देने के लिए इसका एक एज अ होल नाम रख दिया गया, वो है फैराड, इसे किससे जाहिर करते हैं, एफ से, ठीक है। तो फैराड यूनिट है कैपेसिटेंस के, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, वो क्या है इसके फैराड। अब वन फैराड कब होगा, सिंपल सी है, आप इसको इन दोनों को पकड़ के एक साइड पर ले जाओ, तो इसको आप लिखोगे सी वी एफ और सबके साथ वन लगा दो, क्या कि अगर आप एक कूलम चार्ज डिपॉजिट कर दो आइदर प्लेट पे, क्योंकि चार्ज के अमाउंट सेम है, ठीक है, और उन प्लेट्स के दरमियान में वन वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाए तो उस कैपेसिटर की उस वक्त कैपेसिटेंस कितनी होगी, वन फैराड, कितनी होगी, वन फैराड होगी, ठीक है। इसको जरा मैं इधर डिफाइन कर देता हूं, तो डिफाइन आप यहां से खुद बना सकते हो, इफ वन कूलम चार्ज डिपॉजिट ऑन आइदर प्लेट एंड आ पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट इज क्रिएटेड बिटवीन दी प्लेट्स देन कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर इज वन फैराड, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई वन फैराड की डिफाइन। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है सर हुआ कुछ यूं कि चार्ज यहां से इधर आते आते चार कूलम या तीन कूलम चार्ज हमारे पास स्टोर हो गया, और मैं कभी पोटेंशियल जब आपने इसे बैटरी से लगाकर कनेक्ट किया तो कितना था, उसने कहा सर पोटेंशियल था वन वोल्ट, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, थ्री, और सी ओवर वी क्या होता है, इसका मतलब है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, थ्री फैराड। उसने कहा सर ये समझ नहीं आ रही कि ये फैराड ये साइज वगैरह ये क्या है,
मतलब कि ये जो एफ है ये फिर डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आगे हम जाकर पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में वो लिखता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड नहीं करती इस पे, बल्कि ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे। जैसे कि आपकी टैंकी है, टैंकी का साइज शक्ल मुख्तलिफ हो जाए तो स्टोरिंग कैपेसिटी मुख्तलिफ है। सेम इस कैपेसिटर की शक्लो सूरत बदल जाए, ज्योमेट्री बदल जाए, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये कैसे, ये आगे हम जब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे डिपेंड करती है। जो कैपेसिटेंस है, एक कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज है, आपको पता है 6.1 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन हो और 1 वोल्ट हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस हो जाएंगे तो तब जाकर एक कूलम बनेगा। तो इसका मतलब है 1 फैराड कैपेसिटेंस बहुत हैवी कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि इसके बुक ने क्या क्या, बुक ने कहा इसके सब मल्टीपल बना देते हैं। सब मल्टीपल आपको पता है वो प्रीफिक्स के साथ जोड़ के जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सब मल्टीपल, ठीक है। तो इसके छोटे यूनिट हम ज़्यादातर मार्केट में यूज़ करते हैं, 1 μF, 1 × 10⁻⁶ F, 1 pF, 1 × 10⁻¹². तो इसके सब मल्टीपल है। 1 F का कैपेसिटर जो है, जो बहुत बड़ा, मतलब कि उसके लिए जो हमें शीट वगैरह वो चाहिए वो बहुत बड़ी चाहिए, यानी कि आइडियल कैपेसिटर आप कह लो। तो हमारे पास ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, इनको जोड़ के हम फिर ये बड़ा कैपेसिटर कर लेते हैं। वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक छोटा सा हाव नाव दूंगा, वो बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हाव नाव दूंगा कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरे कैपेसिटर का टॉपिक। इसके अंदर कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप कमेंट में बताएं, या कोई चीज़ समझ ना आई हो वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।